ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे पता भी नहीं है कि व्लॉग कैसे करते हैं, मगर एक नई शुरुआत है, नई पहल है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचा था कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉगिंग इसलिए भी स्टार्ट करनी थी कि कई बार कई बहुत अच्छे दिन जाते हैं जो मुझे लगता है मेमोरीज रह जाती हैं कई बार, तो उसे विजुअल में उतार लो, वीडियो बना लो, तो हम कभी बाद में देख सकते हैं, तो उसे रिमेम्बर कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और पहले आज जा रहे हैं हम जिम, जिम की ओपनिंग है, एक भाई का जिम है नजफगढ़ में, तो 12 बजे ओपनिंग थी। मैं उठा बहुत लेट, कल रात को एक भाई का बर्थडे था DLF में, तो वहाँ जाना पड़ गया था। तो पहले जिम जाएंगे, फिर जाएंगे हम पालम में, भाई है एक अपना छोटा भाई, पूरी छत पे माहौल बन रहा है, पतंग उड़ानी है, 15 अगस्त अच्छे से सेलिब्रेट करना है, तो वो करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नजफगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, द्वारका में अभी सेक्टर 12 में खड़ा हूँ और एक भाई है वो आ गया है, तो उसके साथ थोड़ा सा मैं सोचा कि व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मुझे मैंने कभी ऐसे फेस पे कैमरा पकड़ के कभी नहीं किया, तो इसलिए मैंने उसको बुला लिया था। तो चलो चलते हैं पहले जिम की तरफ। ये भाई है मेरा जिसका जिम है, ये कोई जिम दिखाएंगे, एक्सरसाइज होगी यहाँ पे बढ़िया वाली, और कोई टेंशन की बात नहीं है। गाना चल रहा है सिद्धू का, भाई को पता है सिद्धू का मैं कितना बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और अभी पता है जिम खुला है, उसकी भी एक स्टोरी है बहुत बढ़िया, वो स्टोरी भी बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। जब यहाँ लगती है ना चोट, तो यहाँ पे तगड़ी चोट लगती है, ये हो जाता है। और ठोक के रखनी है पूरी गली में, चल सच्ची चल, भाई से आता तो कोई डर की बात नहीं है भाई, अरे तो इसकी एक स्टोरी है जो अभी जल्दी बताऊंगा कि किस लिए जिम खुला, कैसे ये जिम खुला, क्यों खोला भाई ने, ठीक है। भाई का कोई मन नहीं था जिम खोलने का, बढ़िया चल रही थी भाई की रोजी रोटी, भाई अपना फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट है, बन रहा है, इन मेकिंग है, कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो वही रहता है कि किसी के दिल पर चोट लगती है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो कभी भी इंसान को बोलते नहीं है स्ट्रेस ब्रिंग ग्रोथ, तो वो हुआ है भाई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा कि भाई की स्ट्रगल क्या रही, भाई ने जिम कैसे खोला, कहाँ से इक्विपमेंट्स लिए, क्या बजट रहा, जिससे आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि अगर कभी जिम खोलना हो तो कितना बजट लेके चलना चाहिए, कहाँ आउट ऑफ बजट होता है बंदा, कहाँ तुम बजट बचा सकते हो, वो सब बताएगा भाई, ठीक है। भाई का नाम है शुभम बिस्ट और भाई का जिम है रोड मंगल बाजार, जिम का नाम है आयरन एडिक्ट फिटनेस क्लब, ठीक है। हम वैसे ही एडिक्ट हैं, बस आयरन एडिक्ट हैं, ना हम शराब पीते ना स्मोक करते, बस लोहा उठाने की है कि लोहा उठाते हैं, लोहा रखते हैं, वही एडिक्ट है, इसलिए जिम का नाम आयरन एडिक्ट। अभी आ गया मैं अपने दोस्त के घर पे, तो सीन क्या हुआ कि जो मेरा जो साथ में फ्रेंड था उसे जान था अपने घर पे, तो उसके घर से फ़ोन आ गया था, तो उसकी वजह से वो तो चला गया घर पे, ये मैं किसी और अपने दोस्त के घर पे आया हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के ब्लॉग में, पतंग उड़ाने, जो आपको मेरी आइज दिखती है जो स्वेल हो रखी है यहाँ से, यहाँ से, तो इसका मेन रीज़न है
कि कल कोई मेरी आईज में कोई कीड़ा चला गया था, उसकी वजह से पूरी ये एरिया मेरा स्वेल है, थोड़ा सा पेन है। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा चलो पूरा वॉ रखते हैं, चीज़ें नॉर्मल एडिटिंग होगी, कट टू कट कोई वो नहीं होगा, कि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ वॉ रहे और सही रहे। तो फटाफट चलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। तो ये मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, बाकी मैंने बैक कैमरे से शूट कर दी। तो मैं देख रहा हूँ कि सीख रहा हूँ कि फ्रंट सही है या बैक सही है, तो उस हिसाब से मैं कैमरे यूज़ करूँगा। तो चलो चलते हैं। अभी आ गए हैं हम अपना छत पे, ठीक है। ये अपना भाई है अंकित, वो रहा पृथ्वी, ये अपना शांतनु भाई है, और ये अपना सबसे बड़ा टूटन है, जो मतलब पहलवान आदमी है ये, ठीक है। हाँ, वो रही सारी हमारी पतंग, और अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई लव यू पतंग भी तो है अपने पास, आई लव यू पतंग भी है एक भाई भी, भाई ने भाई मैं दिखाता हूँ, ये मेरा भाई है, जो फोटो देखी होगी मैंने फेसबुक पे डाली थी, इसकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड, और ये इसका मोटो है सेव वाटर ड्रिंक बियर, ठीक है। चलो आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बाहर निकलते कम है, और जैसे आज है हमारा पतंग उड़ाने का सीन है, ऐसे मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारका की साइड बहुत कम लोग पतंग उड़ाते हैं। जैसे इधर तो अभी भी उड़ा रहे हैं पालम की साइड, और द्वारका के साइड बहुत कम लोग पतंग उड़ाते हैं, और लोग फ़ोन में लगे रहते हैं और अपना कम बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा अजीब होता जा रहा है, जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, और आसपास जो असली चीज़ हैं, असली लोग हैं, इमोशंस हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है, हमें इंजॉय करना चाहिए, और असली इंजॉयमेंट ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन है। और बाकी ये जो व्लॉग है आगे का, ये प्रॉपर रॉ है, थोड़ी सी इसमें बकचोदी है, थोड़ा सा फन है, देखना। अरे क्या हाल है? अरे क्या बात है, अब ये जाप जाइए। साइड में कौन है? जग्गी भैया। ये बात थोड़ी लगती है, संचित भाई ने बॉडी बिल्डिंग छोड़ के स्टार्ट कर दिया पतंगबाजी। अरे सबसे ज्यादा पतंग काटने से, अबे बिना कटे मोए जा रहे हैं क्या? बिना कटे ही पकड़ 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 पकड़। ओए ओए एक और मिल गई। अरे बहन की चूत किसकी? अरे अरे हाथ कट गया। आई बो जाने ही दे रहे हैं, बोल रहा है अपनी बात है। आसमान खाली करेगा क्या? पकड़ पीछे से चल जा, बॉस दिख गए, देख के भाई देख के पकड़ पकड़ बोली। हाँ पकड़ पकड़ सारे की पकड़ दा काली वाली वाले हमारी तोड़ दे उसको, मान जा, देखिए होता मान जा, इतना मोटा मान जाए रस्से से उड़ा रहा था। अबे है किसकी ये? पता नहीं किसकी, नीचे वालों की है क्या? अरे जाएगी, पकड़ तू पकड़ ना, ये कट रुक जा, इसमें मत बांध, टूट जाएगी, मैं बता रहा हूं कच्चा है। ओए कच्चा कैसे कच्चा है? पक्का है ना? वो ले ले नीचे से चरखड़ी ले ले। ओ भाई ओए नीचे से चरखड़ी ले ले, टूट जाएगा, मैं बता रहा हूं कच्चा है ये, तो बांध दिया। मस्त पतंग है ये, पतंग मस्त है पर मंदा कच्चा है ये। कैसी है मंदा? ये तो तगड़ा ही मंदा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक है संजू। ओए अंकल इसमें बांध ले। हाँ इसमें बांध, इसी को ढूंढ रहा था मैं, इसमें बांध, प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक है अंकल, थोड़ी उतार ले हिम्मत तो हमारा भी भारी में जो है आप किधर आए एकदम चंद्र क्या कर रहा है, पैसे सुल्दास करते हैं। अरे पकड़ तू इसको, फाड़ निकाल, पकड़ पकड़ निकाल,
पांडा निकाल ले जा। पूंछ वाली कौन सी है? तो नहीं वो जा रहा है, वो हाँ वो तो गई, कट गई। कटवा मत दियो बस, ओए जग्गी डाल दे, कट गई अपनी, गई क्या? ब्लू वाले को काट दे, काट दू, काट दे, काट दे। अरे एक और आ गई, लगा 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 लगा, काट साड़ेगी, काट, डील डील पे डील, डील दे दे, फुल देख रख, देख रख, हाथ क्या मेरा, हाथ क्या मेरा, देख रख, पैच मार दे तेरा, पूरे देख रख, आ गए हम घर पे, पतंग उड़ा ली है भाई के साथ जो है, और ये भाई है जिसके घर से ये स्टार्ट हुआ था सिस्टम, तो संजू है ये मेरा भाई, तो चीट मील खाने का। अगर ये व्लॉग सही लगा हो तो ये लाइक करना यार, और अपने दोस्तों का शेयर करना। बहुत रॉ रखूँगा, कोई ऐसी वो नहीं दिखाऊंगा कि बहुत भयंकर लाइफस्टाइल है मेरी या कुछ, सिंपल रॉ चीज़ें होंगी, वर्कआउट टिप्स होंगी। पहला व्लॉग था तो मुझे पता भी नहीं था कि व्लॉगिंग करते कैसे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा कि कैमरे पे बोलते कैसे हैं। वैसे बोल तो सकता हूँ मैं, बस व्लॉगिंग का थोड़ा स्टाइल होता है, तो मैं बिल्कुल ही रॉ होगा, तो कुछ भूल चुको तो छोड़ देना ठीक है भाई को, और छोटा या बड़ा भाई समझ के जो ऐसा भी है, और सब्सक्राइब कर लेना। और कोई अपने खास खास लोग हों जिन्हें रॉ चीज़ें पसंद हो, कोई ऐसे वो नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा लैविश लाइफस्टाइल या कुछ भी, अपना नॉर्मल लाइफ होगी। और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ब्लॉग्स आएँ और उसमें इंफॉर्मेशन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, तो सॉर्ट ऑफ दोनों मिक्स करूँगा मैं ठीक है। सो ये ओवर एंड आउट।